दोस्तों, तो आज मैं अपना एक और नया लेसन लेकर आया हूँ। म्यूज़िक का रेंज कैसे बढ़ाएं, बहुत से सिंगर्स को परेशानी होती है, उनकी रेंज हाई नहीं होती या वो ज़्यादा हाई नहीं गा पाते हैं। तो उन्हीं के लिए लेसन है, ये रियाज है जो मेरे गुरुजी पंडित अवध किशोर पांडे जी ने निकाला है अपनी तरफ से। तो इसे करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, और इसे करने के बाद गारंटीड आपकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएंगे और मंद सप्तक में भी आपके सुर बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस रियाज़ को करने के बाद 1 महीना इस रियाज़ को करिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आप हाई रेंज में भी गा सकते हैं और लो नोट्स भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये रियाज़ करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इस रियाज़ में 2 सुर कोमल लगेंगे और बाकी सारे शुद्ध लगेंगे। थर्ड भैरवी में ये रियाज़ होगा, और रियाज़ को करने की टाइमिंग ये है, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक की टाइमिंग है। 7 बजे के बाद इस रियाज़ को आप नहीं कर सकते, तो 7 बजे से पहले ही आप इस रियाज़ को करिएगा। ये रेंज के लिए रियाज है, सिर्फ रेंज बढ़ेगी इससे आपकी। तो इस रियाज़ को थर्ड भैरवी में करना है, रे और धा कोमल सुर लगेंगे, बाकी सारे शुद्ध लगेंगे। तो इस रियाज़ को करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप लगाएंगे सा, ये सी शार्प स्केल लेंगे आप, जिनका जी है वो जी से करें और जिनका सी है वो सी शार्प से करें। तो पहले हम सा लगाएंगे, और उसके बाद हम एक सुर नीचे जाएंगे, मंद्र में जाएंगे। तो कैसे मैं बताता हूँ, पूरी सांस भरनी है और उसके बाद छोड़नी है और सा लगाना है। जितना ज़्यादा लंबे हो सके सुर लगाइए, जितने ज़्यादा लंबे सुर लगाएंगे उतनी रेंज आपकी अच्छी होगी और सुर पक्के भी होंगे इससे आपके। तो लगाइए इसको, फिर नी के बाद फिर हम सा लगाएंगे, उसके बाद रे लगाना है, रे कोमल लगेगा, थर्ड भैरवी में है, रे, और फिर सा लगाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक सुर और नीचे लेंगे, धा, धा इसमें कोमल लगेगा, धा कोमल लगेगा, धा, उसके बाद हम वापस नी लगाएंगे, फिर वापस सा लगाएंगे, सा, उसके बाद फिर रे कोमल, रे। तो ऊपर के सप्तक में हम एक सुर बढ़ा देंगे, गाएंगे गा, गा शुद्ध लगेगा, गा, फिर हम वापस नीचे जाएंगे, रे, फिर सा लगाएंगे, सा, फिर नीचे जाएंगे, फिर वही धा लगाना है कोमल, धा, फिर हम एक सुर और नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एक सुर नीचे लेते जाएंगे, फिर वापस जाना है, हम क्या करेंगे एक सुर और ऊपर ले लेंगे, मा, फिर वापस नीचे जाएंगे, गा, रे, सा, फिर नीचे
जाना हमें नहीं उसी तरह से ही ने धा। अब एक सुर और नीचे ले लेंगे हम मा। अब वापस जाएंगे पा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए। इसी तरह से एक सुर नीचे लेते जाएंगे, एक सुर ऊपर, एक सुर नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। इसी तरह से थर्ड भैरवी का स्वर विस्तार खोलेंगे हम, एक एक करके सुर खोलते जाएंगे। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, सुर लगाइए, पूरी सांस भरनी है, फिर छोड़नी है और जितना लंबा हो सके सुर लगाइए। तो इसी तरह से ये थर्ड भैरवी का स्वर विस्तार आपको खोलना है। एक महीने तक इसका रियाज करना है, 7 बजे से पहले ही इसका रियाज करना है, उसके बाद इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। तो 1 महीने तक इसका रियाज करिए, 1 महीने में आपकी रेंज बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा गाने लगेंगे और आपके सुर भी पक्के होंगे इससे, और आपका मंद्र सप्तक भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका तार सप्तक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आपकी रेंज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस रियाज को करिए, एक सुर नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, फिर नीचे, फिर एक ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे सुर करते रहेंगे और स्वर विस्तार पूरा खोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस रियाज को करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।